हे गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं देसी स्टाइल में कढ़ी बनाना। फ्रेंड्स, कढ़ी चावल हर किसी की पसंद होती है, किसी किसी को नहीं पसंद होता है, मोस्टली ज़्यादातर लोगों को कढ़ी पसंद होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ हमने बेसन ले लिया है। बेसन हमने कढ़ी बनाने के लिए और पकौड़ियाँ बनाने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए हमने इसमें बेसन ले लिया है। और सबसे पहले हमें एक बैटर तैयार करना है पकौड़ी के लिए। तो चलिए इसमें ऐड कर दें थोड़ा सा वाटर। इसमें पानी हम उतना मिक्स करेंगे कि हमारा पकौड़ी के लिए बैटर अच्छे से रेडी हो जाए। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे जिसमें इसमें लम्स ना रह जाएं। हमारा बैटर रेडी है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे जिससे पकौड़ियों के लिए अच्छे से तैयार हो जाए। तो चलिए यहाँ पे हमने इसको ढक दिया है। अब हम कढ़ी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लिया है थोड़े से लहसुन, मिर्च, काली मिर्च, दो तीन अदरक के टुकड़े और थोड़ा सा जीरा। अब हमें इनका पेस्ट बना लेना है। तो चलिए हम इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पेस्ट इसका तैयार कर लिया है। अब चलिए हमारा जो घोल है पकौड़ियों के लिए वो तैयार हो गया है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई हम लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे ऑयल। अब इसे गर्म हो जाने देते हैं, फिर इसमें बनाते हैं पकौड़ियाँ। जब भी आप कढ़ी बनाएं तब घोल को 10 से 15 मिनट ढक के रख दें जिससे हमारी पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी सॉफ्ट और फूली फूली बनती हैं। हमारी पकौड़ियाँ बन गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम कढ़ी का घोल बनाना। तो यहाँ पे हमें ले लेना है दही। दही हमें जितना हमने बेसन लिया है उसका चौथाई गुना दही लेना है। अगर आपका दही खट्टा है तो आप उसका दोगुना ले सकते हैं। तो यहाँ पे खट्टा दही नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा दही लिया है। और इसको अच्छे से बेसन में डाल के फेंट देंगे, मतलब अच्छे से इसका घोल बना के। और अगर आप चाहें तो ब्लेंडर में इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकती हैं। मैंने यहाँ ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब आपको कढ़ाई में तेल डालना है, फिर इसमें आपको हल्की सी मेथी डाल देना है। और मेथी हल्की लाल हो जाए उसके बाद इसमें हमें डाल देना है थोड़ी सी खड़ी काली मिर्च। अगर आपको काली मिर्च पसंद है तो आप इसमें काली मिर्च डाल दीजिए, अगर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकती हैं। अब इसमें डालना है करी लीव्स। करी लीव्स के बिना कढ़ी का तो कोई जायका ही नहीं होता है। अब इसमें मैंने जो पेस्ट बनाया था वो पेस्ट डाल दिया है। इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून हल्दी और थोड़ी सी धनिया। 1 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर इसमें हमें जो हमने घोल तैयार किया था कढ़ी के लिए वो इसमें डाल देना है। तो हमने इसमें घोल डाल दिया है और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे कि इसमें लम्स ना हो। आपको कढ़ी पतली अच्छी लगती है, आपको जैसी भी अच्छी लगती है उस अकॉर्डिंग इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर दिया है और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है इसमें। इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। उबलने पर इसमें हम जो जो हमने पकौड़ियाँ बनाई थी वो इसमें डाल देंगे और फिर से ढक के रख देंगे। चलाते रहेंगे, इसमें लम्स बिल्कुल भी ना हो, लम्स हो जाएंगे तो हमारी कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं कढ़ी का कलर और कढ़ी कितनी अच्छी लग रही है देखने में और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुई है। अगर आप भी बनाना चाह रहे हैं ऐसे बहुत ही इजी वे में तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। आप देख सकते हैं कढ़ी का कलर कितना अच्छा आया है और ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में भी टेस्टी लगती है।
तो अगर आपको कढ़ी पसंद है तो प्लीज़ इसे बनाइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक कर देना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब